हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक ऑन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय दिव्या खन्ना। लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स का, और मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या हैं और किस किस तरह से हम उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स का। अलग अलग काफ़ी सारी हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं। फर्स्ट वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। मास परसेंटेज, या जिसको हम W बाय W परसेंटेज भी लिख देते हैं, वेट बाय वेट, यानी कि मास बाय मास परसेंटेज। बहुत सिंपल है फाइंड करना। क्या होते हैं मास परसेंटेज? इट इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट, जो भी आपके पास सोल्यूट है उसका मास, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको परसेंटेज फाइंड करनी है, तो आप उधर मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 भी करेंगे, तभी आप वहाँ पे परसेंटेज फाइंड करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट को हम डिस्कस करते हैं बी से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सोलवेंट है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 4 ग्राम सोल्यूट है कोई, मैंने उसे 12 ग्राम सोलवेंट के अंदर उसको मैंने क्या किया, ऐड किया, और मुझे सोल्यूट की मास परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सोल्यूट की मास परसेंटेज का मतलब, देखो ये तो मुझे क्या दे रखा है, ये मुझे दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास कितना गिवन है मुझे, 4 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास कितना गिवन है, 12 ग्राम। तो जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर तो दोनों होते हैं ना, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूशन का मास कैसे आएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, यानी 4 + 12 = 16 ग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। मास परसेंटेज फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगी, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100, इसको सोल्व करूंगी, जो आंसर मुझे मिलेगा वो क्या होगी, इसकी मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जनरली लिख दिया जाता है, कुछ बुक्स में मेंशन कर देते हैं मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन। तो कंपोनेंट क्या है, सोल्यूट एंड सोलवेंट को ही कंपोनेंट बोलते हैं। अगर आपसे सोल्यूट का फाइंड करवाया जाए तो आप मास ऑफ सोल्यूट लिख देंगे, अगर आपसे सोलवेंट का फाइंड करवाया जाए तो अपॉन में आप क्या लिख देंगे, ऊपर न्यूमरेटर में मास ऑफ सोलवेंट, और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मास ऑफ ना सोल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब इसकी यूनिट तो कुछ होती नहीं है, यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि देखिए ऊपर भी मास वाली टर्म है, नीचे भी मास वाली टर्म है। मास की यूनिट, अगर मैं सोल्यूट की बात करूँ किलोग्राम, सोल्यूशन की बात करूं किलोग्राम, और ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज भी फाइंड करना चाहें, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में भी मैंने आपको बताया था, तो आप मास की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे, क्या मिल जाएगी आपको, वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अब मास परसेंटेज में दोनों टर्म्स मास वाली इन्वॉल्व है, वॉल्यूम परसेंटेज में दोनों टर्म्स वॉल्यूम वाली इन्वॉल्व होती हैं, और स्ट्रेंथ में क्या होता है, एक होता है मास और एक होती है वॉल्यूम। देखिए किस तरह से, स्ट्रेंथ इज द मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, ग्राम्स में हम उसको लेते हैं, मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ऊपर सोल्यूट है, नीचे क्या है, सोल्यूशन ही है, जिस तरह से इसमें था, या वॉल्यूम परसेंटेज में होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, स्ट्रेंथ में हम मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, ये होती है स्ट्रेंथ, और इसकी यूनिट क्या होती है, मास को देखिए मैं ग्राम में ले लूँ, और इसको देखिए जो वॉल्यूम है सोल्यूशन की, इट्स मे बी इन लीटर्स, या तो वो किसमें हो, लीटर में हो, या फिर डेसीमीटर क्यूब, लीटर या डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम हो सकती है। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या होगी, ग्राम, और इसकी लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब में ले लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर और ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी स्ट्रेंथ की। तो यूनिट को फाइंड करने के लिए मास ऑफ सोल्यूट और अपोन में आपको क्या लेना है, अपोन में वॉल्यूम लेनी है सोल्यूशन की। देखिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं अपनी। नेक्स्ट वन इज द मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैपिटल एम से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट बताया भी था कि ये जो सारी आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे हैं उन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को हमें एज इट इज ट्वेल्थ में भी स्टडी करना है। ट्वेल्थ में हम एक चैप्टर स्टडी करेंगे सॉल्यूशन, उसके अंदर यही सारी टर्म्स होंगी, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे और बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो मोलैरिटी को डिस्कस करते हैं। मोलैरिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। देखिए होती क्या है मोलैरिटी, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब देखिए कुछ यहाँ पे कंडीशन होती हैं हमारे पास, जैसे लास्ट फॉर्मूला था स्ट्रेंथ का, उसके अंदर भी आपको बोला गया वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके अंदर होगी, लीटर में होगी या फिर डेसीमीटर क्यूब में। सिमिलरली हियर मोलैरिटी इज द रेशियो number of moles of solute to the volume of solution, but this volume must be in liters. In case अगर ये milliliter में है तो आप उसको क्या करेंगे, you have to first convert it into liters. Okay? If volume is given in milliliter, then first you have to convert the given volume in liters. ठीक है, liter में आप उसको क्या करेंगे, convert करेंगे। तो number of moles of solute upon volume of the solution in liter. अभी देखिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, मैंने क्या बोला था कि सपोज मेरे पास 4 ग्राम सोल्यूट है, ठीक है, 4 ग्राम सोल्यूट को मैंने किसी सॉल्वेंट में ऐड किया था और एक पर्टिकुलर अमाउंट में मुझे क्या मिल गया था, सॉल्यूशन मिल गया था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मुझे गिवन हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये तो क्या होता है 4 ग्राम अगर मैं बोलूं तो ये तो मास गिवन है मुझे सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्यूट के कभी भी गिवन नहीं होते हैं। तो आप नंबर ऑफ मोल्स को किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपको न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या करने होते हैं, फाइंड करने होते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और क्योंकि हम सोल्यूट के मोल्स की बात कर रहे हैं तो उसको क्या लिख दिया जाता है, एन बी, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। गिवन नहीं होता है डायरेक्टली न्यूमेरिकल में, फाइंड करने का मेथड होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मतलब अब ये गिवन मास और मोलर मास क्या है, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा क्या है, सोल्यूट गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन है, सोल्यूट है, और उसका मास मुझे दे रखा है। तो देखिए ये तो मुझे दे रखा है कि 4 ग्राम मास है, सो दिस मास इज कंसिडर्ड एज द गिवन मास, इस मास को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं गिवन मास। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका एक्चुअल में कुछ मास भी तो होता है ना, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मोलिक्यूलर या फिर मोलर मास। तो हमें यहाँ से इसका मोलर मास क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे न्यूमेरिकल्स में, क्या करना होगा, हमें गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, मास जो हमें दे रखा है सोल्यूट का कि 4 ग्राम है, 5 ग्राम है, 20 ग्राम है, कितना सोल्यूट है उसको आप लिखेंगे यहाँ पे। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, जो भी आपका सोल्यूट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कुछ भी आपको जो सब्सटेंस गिवन है उसका आप मोलर मास क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, दोनों का रेशियो करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, उससे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल जाएंगे और वॉल्यूम आपको गिवन होगी। कंडीशन क्या है कि जो वॉल्यूम है वो लीटर में होनी चाहिए, ठीक है, और अगर आपको मिलीलीटर में गिवन है तो आप उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, लीटर में, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप मोलैरिटी की यूनिट को भी फाइंड कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल ही होती है, ठीक है, एम ओ एल से, लेकिन उसे रिप्रेजेंट किया जाता है अपॉन लीटर, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, लीटर में हम ले रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, इसको मोल पर लीटर, और मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, मोल लीटर इनवर्स एक ही बात है, ठीक है, तो मोल्स पर लीटर ये क्या है, मोलैरिटी की यूनिट है। और बहुत बार कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स में आपको मोलैरिटी गिवन भी होती है तो क्या बोल देते हैं कि 1.25 कैपिटल एम सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, 1.25 मोलर सॉल्यूशन, और ये जो मोलर है या जो कैपिटल एम है इसको भी यूनिट की तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। मीन्स आप मोल पर लीटर तो इसकी यूनिट लिखते ही हैं, लेकिन साथ में कैपिटल एम भी लिख सकते हैं या फिर मोलर भी लिख दिया जाता है, ठीक है। अभी तक हमने जो 3 टर्म्स स्टडी की हैं इनको पहले आप अच्छे से देखिए, अभी हम क्या करते हैं, हम इसी से रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं।